हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई एम राजू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट के बारे में। तो डिटरमिनेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट किसके लिए वैलिड है, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट बोलने का मतलब है कि पहला कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो एम इक्वल टू एन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहला कंडीशन है कि डिटरमिनेंट जितना भी होगा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, या तो वो 2x2 का होगा, या 3x3 का, या 4x4 का। हमेशा क्या होगा, जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। दूसरा पॉइंट है कि इट हैज ए वैल्यू, मतलब जो भी डिटरमिनेंट होगा उसका अगर निकालोगे डिटरमिनेंट का, तो भी क्या होगा, एक वैल्यू के रूप में आएगा। तो ये दो पॉइंट इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो डिटरमिनेंट में जो आता है बात, वो होता है माइनर निकालने का, और दूसरा होता है कोफैक्टर। तो दोनों को एक एक करके हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है, माइनर कैसे निकालते हैं, और माइनर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसी को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे निकालते हैं माइनर किसी भी डिटरमिनेंट का। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स है तुम्हारा इस टाइप से, और इसका हमको माइनर निकालना है। ये इस टाइप से लिखा हुआ है 3x3 का, इसका माइनर अगर निकालना है तो क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना होगा, उसमें क्या करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो होता है उसको डिलीट करते हैं, और जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होता है उसको डिलीट करते हैं। जैसे मान लो कि हमको निकालना है, माइनर को एम से डिनोट कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं M11। कहने का मतलब इस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है। अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो है उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। तो अगर समझाने के लिए हम बोले तो इसको ए रो है, तो इस रो को क्या करोगे कि डिलीट कर दो, ठीक है, और इस कॉलम को, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको डिलीट करो। उसके बाद जो बच गया वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, देख लो, A22, A23, A32 और A33, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको लिखना होगा माइनर ऑफ 12, तो 12 का लिखोगे तो क्या करोगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो होगा उसको क्या करोगे, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो होगा उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा उसको डिलीट करोगे। जैसे ही करोगे उसके बाद जो रेस्ट बचेगा वो तुमको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करोगे, इस टाइप से लिखोगे। तो क्या बचेगा, देख लो, ये तो डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या, तो यहाँ से बचा A21 और A23, यहाँ से A31 और यहाँ से A33, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमको M13 निकालना है, माइनर ऑफ 13 एलिमेंट का निकालना है, तो देखो 13 का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रो होगा उसको डिलीट करना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा डिलीट करोगे। तो ये दोनों डिलीट हो गया, ये तुम्हारा रो डिलीट और ये कॉलम, तो बचा क्या, तो ये तुम्हारा एलिमेंट बचा। तो क्या रेस्ट हो गया, देखो इधर बच गया क्या, A21, A22, यहाँ से बच गया A31 और यहाँ से A32। तो ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनर निकालने वाले हैं। और ये तुम्हारा देखो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स ना करके इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो सेम होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का नोटेशन जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, तो सिंपली अगर इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसको ऐसे लिखा रहेगा, मतलब कि इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो उसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखेंगे कुछ देर में। तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो कोफैक्टर के लिए क्या करोगे, माइनस ऑफ 1i+j इनटू माइनर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुमको साइन पता चलेगा कि उसका एलिमेंट का क्या साइन होगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, इसके लिए i और j का वैल्यू कितना है, 1 और 1 है। तो इसका साइन अगर निकालना होगा तो देखो माइनस 1 रखे हुए, i की जगह पर कितना रखोगे, 1, और j की जगह पर भी 1 रखोगे, तो माइनस 1 का पावर 2 हो जाएगा, जो कि प्लस होगा। इसका मतलब इसका साइन कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। इस पर रखोगे तो ये तुम्हारा माइनस आएगा, और इस पर रखोगे तो प्लस आएगा, इस टाइप से साइन आता है। अगर को फैक्टर निकालना होगा तो क्या करोगे, यहाँ से पहले इसका साइन यहाँ से पता चलेगा, और उसके बाद जो माइनस हम लोग पहले निकालना सीख लिए थे वहां से हम लोग निकालेंगे, तो उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, को फैक्टर। को फैक्टर को सी से लिखते हैं, अगर हमको C11 का निकलना है को फैक्टर, तो क्या करोगे, माइनस 1 का पावर, आई का वैल्यू कितना, 1, और जे का वैल्यू भी कितना, 1, और इंटू माइनर कर दोगे, ठीक है, इंटू क्या कर दोगे, माइनर। और माइनर हम लोग इसका निकालना सीख चुके हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। और इसका अगर माइनर निकालोगे तो माइनर कैसे निकालते हैं, इसको रो के कॉरस्पॉन्डिंग डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, तो बच जाएगा तुम्हारा, अगर इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिख दे तो क्या बचेगा तुम्हारा, A22, A23, A32 और A33 बचेगा। इसका इसको सिंप्लीफाई करना हम लोग सीख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि और निकाल के बता देते हैं, अगर C12 का निकालना तो क्या करोगे, माइनस ऑफ 1, आई के जगह पर कितना, 1, और जे के जगह पर कितना, 2, और इंटू माइनर कर दोगे, ठीक है। और माइनर तो तुमको पता है निकालना, इसको भी निकाल के बताए भी थे, तो
यहाँ से करोगे तो कितना होगा, ये देखो 3 हो जाएगा, तो -1 का पावर 3 करोगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव और माइनर इसका निकाल लो, तो माइनर को डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो देखो इसका कितना होगा माइनर, तो ये रो को डिलीट करोगे, ये कॉलम को डिलीट करोगे, तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा a21, a23, फिर क्या आएगा a31 और a33, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनर और को फैक्टर था। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं कैसे हम लोग माइनर निकालेंगे, को फैक्टर कैसे निकालेंगे और कैसे हम ओवरऑल डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका क्या करना है, फाइंड माइनर को फैक्टर एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसमें माइनर का निकालना है, को फैक्टर निकालना है और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो कि एक दो निकाल कर तुमको बताते हैं, बाकी तुम खुद से निकाल कर देखना आ जाएगा। जैसे माइनर ऑफ 1 1 निकालना है, ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये और इसको क्या करोगे डिलीट करोगे, तो यहाँ से तुमको बचेगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में 5, 6, 8 और 9, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक और माइनर निकाल के बता दे, माइनर ऑफ 1 2 करोगे तो क्या तुम्हारे पास आएगा, देखो माइनर ऑफ 1 2 निकालोगे तो क्या होगा, माइनर ऑफ 1 2, तो ये तुम्हारा रो डिलीट और ये तुम्हारा कॉलम डिलीट, यहाँ से आएगा 4, 6, 7 और 9। अब बात है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो एक इधर शॉर्ट में तुमको बता देते हैं कि मान लो कि अगर ये तुम्हारा 2 क्रॉस 2 का कोई भी क्या है, एक डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि सिंपल सा, ये तुम्हारा लीडिंग डायगोनल है, ये तुम्हारा क्या है लीडिंग डायगोनल है, इसको क्या करोगे तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू डी, उसके बाद माइनस करेगा करोगे जो तुम्हारा क्या हो गया इधर का जो डायगोनल है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करके तुम लिखोगे, तो यहाँ से आ गया बी इंटू सी, तो ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तुमको दे देगा। अगर इसको मैट्रिक्स हम मान लें कि ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, तो ये तुम्हारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिमिलरली इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा 45 माइनस ऑफ 48 आएगा, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया माइनस ऑफ 3, तो M11 का माइनर कितना आ गया माइनस ऑफ 3। सिमिलरली इसको करोगे तो कितना होगा, यहाँ से कर लोगे सिंप्लीफाई, तो ये तुम्हारा 36 माइनस ऑफ 42 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा माइनस ऑफ 6, दोनों का निकल गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें को फैक्टर निकालने का, तो को फैक्टर इज नथिंग, को फैक्टर कैसे निकालते हो, माइनस ऑफ 1 i+j इंटू माइनर, इससे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो माइनस ऑफ 1 i का वैल्यू कितना है 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और माइनर का वैल्यू हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग निकाले हैं -3, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो -1 का पावर 2, तो 1 कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा को फैक्टर ऑफ 1 1 का वैल्यू कितना हो गया -3, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 का अगर रहेगा डिटर्मिनेंट, तो हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे AD-BC। अब इसका ओवरऑल हम वैल्यू निकाल के बताते हैं, बाकी कहीं प्रॉब्लम हो तो देख लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है देख लो सिंपल, देखो इसका नोटेशन साइन ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि वहां से निकालोगे इस फॉर्मूला से तो तुम्हारा साइन देगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे निकालोगे तो तुम्हारा शॉर्टकट है इसको याद रख सकते हो, या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, या पॉजिटिव, उसी प्रकार से इसका अगर लिखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, फिर से यहाँ से रिपीट करता है पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा अल्टरनेट साइन इस टाइप से पैटर्न फॉलो करता है, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो इस टाइप से 4 क्रॉस 4 का होगा, तो सिमिलरली फॉलो करते चला जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस मेरे पास कितना है, देखो या तो इस रो से निकाल सकते हो मेथड है, या कॉलम के थ्रू निकाल सकते हो, तो कोई भी तुम रो या कॉलम के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लो कि फर्स्ट रो के अलोंग इसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या करोगे, देखो इधर सिंपल यहाँ पर क्या है +1 है, तो +1 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये तुम्हारा इसके रो को क्या करोगे, इसको रो को डिलीट करोगे और इसके कॉलम को डिलीट करोगे, उसके बाद जो बचेगा क्या करोगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो यहाँ कितना होगा 45, तो यहाँ पर ऐसे लिखो 45 माइनस ऑफ 48, उसके बाद ये रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो इसको क्या करोगे माइनस ऑफ 2, अब इसके अलावा जो भी तुम्हारा रो होगा उसको डिलीट करोगे और इसके अलावा जो भी कॉलम होगा उसको डिलीट करोगे, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कितना होगा 36 माइनस ऑफ 42, उसके बाद क्या होगा थर्ड होगा ये तुम्हारा +3, इसके अलोंग रो को क्या करोगे डिलीट, इसके अलोंग कॉलम को डिलीट करोगे, उसके बाद 2 क्रॉस 2 का तुम्हारा पास डिटरमिनेंट बनेगा, उसको सिंप्लीफाई इस तरह से हम लोग कर लेंगे, तो कितना होगा यहाँ से 32 माइनस ऑफ 35, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तुम्हारा हो गया -3, यहाँ से आएगा -2 और ये तुम्हारा -6 आने वाला है, तो ये तुम्हारा +12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना गया 0, तो अब तुम्हारे पास अलग अलग है, तुम या तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल सकते हो या कॉलम के लॉन्ग, तो जिस तरफ से भी निकालोगे रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा सेम आएगा, तो
तो इस तरह से हम लोग माइनर को फैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। या तो वो 2 क्रॉस 2 का होगा तो सिंपल निकल जाएगा, 3 क्रॉस 3 का होगा तो इस तरह से निकालेंगे, 4 क्रॉस 4 का अगर तुम्हारे पास मिलता है तो उसको रिड्यूस करोगे 3 क्रॉस 3 में, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग माइनर को फैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में देख लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।